नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं 11 अक्टूबर के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश करता हूँ। तो इधर मैंने निफ्टी अक्टूबर का चार्ट ओपन किया है, तो इधर देख सकते हैं ये रिटेस्ट करके ऊपर गया था। अगला दिन ये रिटेस्ट करके ऊपर गया था, फिर से ये रिटेस्ट करके थोड़ा सा नीचे आया है। तो ये अभी 38.2% के ऊपर निफ्टी 50% से रिटेस्ट किया है, फिर से वो 38.2% के नीचे वो क्लोजिंग दिया है। तो इसको ऊपर रहने के लिए 38.2% के ऊपर, मतलब 11,315 मैंने फ्यूचर का बात कर रहा हूँ, इसका ऊपर रहना चाहिए, इसका ऊपर इसको सस्टेन करना चाहिए। इसके ऊपर फिर ये 300 365, उसके ऊपर 415 के ऊपर जाएगा तो ये आप साइड जाना जा सकता है। इसको आप साइड जाने के लिए अभी तक ये चार्ट का सेटअप ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन ये जो लेवल है इसका ऊपर जाएगा तो तभी ये ऊपर, मतलब इसका अप ट्रेंड आ सकता है 11,470 या 7,775 के ऊपर। और नीचे इसका प्रोबेबिलिटी जो इस लेवल पे, मतलब 11,100 के नीचे आएगा तो इसका, मतलब 11,084 के नीचे ये इस लेवल का आ सकता है, 11,088 के नीचे आ सकता है। उसके बाद 10,950, उसके बाद 10,812, उसके बाद ये लेवल 10,732, उसके बाद 10,702 दिया दो, इसका 10,650 में इसका स्ट्रांग रेजिस्टेंस है जो तोड़ना मुश्किल है। मैंने बाद में लेवल दे दूंगा, अभी चार्ट को देख रहा हूँ। और निफ्टी का ऑप्शन चेन देखूंगा तो इसका पहले ये जो पीछे रिसीव है ये 0.89 है, मतलब ये इम्प्रूव करके वो 0.50 के आसपास आ गया था, वो इम्प्रूव करके 0.89 में आया है। और 0.75 से वन के अंदर ये साइडवाइज मूवमेंट ही देगा। तो इधर कॉल साइड में शॉर्ट बिल्डअप और पुट साइड में लॉन्ग बिल्डअप है, इंडिकेट करके रहा है कि नीचे जा सकता है। लेकिन इधर जो ओपन इंटरेस्ट और इधर भी ओपन इंटरेस्ट, इधर ओपन इंटरेस्ट बहुत बड़ा है और शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, शॉर्ट प्राइस डिक्रीज हुआ है, शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, इधर भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है और प्राइस बढ़ा है, तो लॉन्ग बिल्डअप है। लेकिन ऊपर जाने का प्रॉबिटी मैंने दिखाता हूँ आप लोग को, ऊपर जाने का प्रॉबिटी ज़्यादा है, वो प्रॉबिटी भी मैंने दिखाता हूँ। 11,300 में इसका सपोर्ट है और फर्स्ट रेजिस्टेंस 11,300 में इसका रेजिस्टेंस है और 11,200 में इसका इमीडिएट सपोर्ट, उसके बाद 11,100, उसके बाद 11,000 में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और इसका प्रोबेबिलिटी आप लोग देख सकते हैं ये 7 दिन का इस एक्सपायरी में इसका ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। बैंक निफ्टी भी इधर देख सकते हैं आप लोग, बैंक निफ्टी भी ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। इधर 28,500 में इसका रेजिस्टेंस है और 27,500 में इसका सपोर्ट है। एक्सपायरी का दिन 7 डेज है। और बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने दिखाना चाहता हूँ, बैंक निफ्टी का चार्ट में बैंक निफ्टी सेम पैटर्न बना के चल रहा है निफ्टी की ऐसा। तो इसका ये फिर से ये रिटेस्ट करके ऊपर गया था 61.8 तक, लेकिन ये क्लोजिंग दिया है 38 पॉइंट नीचे, 8.2% के नीचे। इसको 38.2% ऑन 28,400 के ऊपर वो इसको सस्टेन करना पड़ेगा, उसके बाद 28,800 के ऊपर हो जाएगा तो ऊपर जा सकता है। और इसको अप ट्रेंड जाने के लिए 29,300 के ऊपर जाना पड़ेगा, उसके बाद ये 29,000 के ऊपर जा सकता है, 600-700 के ऊपर जा सकता है। इसका अप ट्रेंड, इसका ऑप्शन चेंज देखूँगा तो इसका